क्योंकि देखिए सॉल्यूशंस के क्वेश्चन आंसर है सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं। तो सॉल्यूशंस के अंदर सबसे पहला एनसीईआरटी क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ़ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो तेरे को मास दे रखा है डायरेक्टली इस क्वेश्चन के अंदर, ये तो बहुत ईजीली दे रखा है, ये सब क्वेश्चन है। तो अब मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, देख मैं सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ, मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये तरह मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, इस तरीके से तो अपनी मास परसेंटेज लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास है और बेंजीन का मास है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या दे रखा था, 22 ग्राम बेंजीन दे रखी है और 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, मास ऑफ बेंजीन प्लस मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों को ऐड करके 22 ग्राम प्लस 122 ग्राम क्या हो जाएगा, 144 ग्राम। ठीक है, इसके बाद तुझे दोनों की मास परसेंटेज निकालनी है। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, अब जब चल मैं बेंजीन की निकाल चूँ पहले, तो सॉल्यूट क्या होगा बेंजीन के केस में, बेंजीन मास ऑफ और मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। बेंजीन का मास कितना दे रखा है, 22, तो ऊपर 22 आ जाएगा। सॉल्यूशन का मास हमने अभी कितना निकाला है, 144 डिवाइडेड बाय 144 इनटू 100। जब 22 को 144 से डिवाइड करेगा और 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो 15.28 मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्या होगा, इसके बाद ना जब तुझे मास परसेंटेज ऑफ CCl4 निकालना है, तो ये भी इसके ना दो तरीके होते हैं, या तो पहला तरीका होगा ये जैसे ऑल्टरनेटिवली करके यहाँ पे शो कर रखा है, यहाँ पे देख दो तरीके हो सकते हैं, या तो सेम इसी तरीके से निकाल, मास ऑफ CCl4 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का मास 122 है, 122 को 144 से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई कर दे, तेरा आंसर आ जाएगा। या फिर कैसे निकाल सकता है, जो तेरा दो सॉल्यूशन है तो दोनों का निकालने का क्या, दूसरे का निकालने का क्या तरीका हो सकता है, 100 में से जो पहले का आया है वो माइनस कर दो, 100 में से जो भी पहले की मास परसेंटेज आई है, मतलब हाँ मास परसेंटेज ऑफ 100 माइनस मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, बेंजीन की मास परसेंटेज को मास परसेंटेज बेंजीन की माइनस करते हैं, 100 माइनस 15.28 जो तेरी पहले आई है, तो भी तेरा आंसर, तो तेरा आंसर जो आएगा जैसे 84.72 है, वही तेरा आंसर हो जाएगा, चाहे 100 में से माइनस करके निकाल ले, चाहे मास परसेंटेज वैसे फॉर्मूले से निकाल ले। मैं ये सजेस्ट करूँगी फॉर्मूले से निकाल ले, क्योंकि दो कंपोनेंट है तो ये फॉर्मूला वैलिड है, बट अगर दो से ज़्यादा है तो भी, तो फिर ये चीज़ दो के केस में नहीं मानी जाएगी, तो इसलिए मास परसेंटेज वाला डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल ले तो ज़्यादा बेटर है, और अगर यही क्वेश्चन आ जाता है तो 100 में से माइनस कर दो। ठीक है, तो उसका अगर तीन के केस में आए तो करने का तरीका अलग होगा, दो को ऐड करके माइनस करना होगा, इससे बेटर यही है फॉर्मूला से। ठीक है, ये तेरा पहला क्वेश्चन था जिसमें तुझे मास परसेंटेज निकालनी थी। मास परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड बाय मास। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है, अगर हम उसको टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मोल फ्रैक्शन मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देख, यहाँ पे क्या कर रखा है, देखो 30% सॉल्यूशन दे रखा है, मोल फ्रैक्शन निकालनी है बेंजीन की, और देखो क्या दे रखा है, 30% बाय मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देख, एक कंपोनेंट बेंजीन है, एक कंपोनेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड,
ठीक है, दो कंपोनेंट है बेसिकली हमारे पास इसके अंदर। तो 30% जो तेरे को दे रखा है, 30% का मतलब क्या है? 30% ऑफ बेंजीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग। तो ये ध्यान रखियो, यहाँ पे बेंजीन का ऑटोमेटिकली दे रखा है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। मतलब बेंजीन एक बीकर ले रखा है, उसके अंदर बेंजीन डाल रखा है और उसके अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड भी डाल रखा है, मतलब दोनों चीज़ें मिक्स हैं, जिसके अंदर 30% तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो इस 30% का मतलब है, ठीक है, 30% किसका है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास। तो 30 ग्राम तो क्या है? बेंजीन है, क्योंकि बेंजीन के बाद दे रखा ना मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द सॉल्यूशन। बेंजीन के सॉल्यूशन में, बेंजीन के अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो 30% का मतलब है बेंजीन का मास क्या है? 30 ग्राम। और टोटल सॉल्यूशन का कितना होगा? 100। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, 100 में से 30 को माइनस कर देंगे तो हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास मिल जाएगा। अब सबसे यही इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन के अंदर समझने की, जो मास है 30% वो किसका दे रखा है? बेंजीन का दे रखा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग 30%, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द सॉल्यूशन का, बेंजीन का 30 ग्राम मास है। तो बेंजीन का 30 है, टोटल कितना होगा? 100। तो 100 में से अगर हम 30 को माइनस कर देंगे तो हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास मिल जाएगा। अब देख, अब मोलर मास बेंजीन का कितना होता है? 78 ग्राम। मोलर मास कैसे निकालेगा? C6H6। कार्बन का कितना होता है? 12। 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेगा, प्लस 1 × 6, ठीक है। 12 6 72, प्लस 6, 72 प्लस 6 का होगा 78। ये निकालने का तरीका तो पता ही होगा किसी का भी, मोलर मास कैसे निकालते हैं। एक कार्बन का 12, 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक हाइड्रोजन का 1, 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 72 × 6 किसके इक्वल आ गया? 78 के। ये तेरा आंसर आ गया, ठीक है, मोलर मास आ गया। अब नंबर ऑफ मोलर मास हमने क्यों निकालते हैं? गिवन नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास तो जो हमने अभी 30 और 70 क्वेश्चन से निकाला है, और मोलर मास क्या होगा? मोलर मास होगा जो हमें पता है, जैसे C6H6 का 78 आया। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। कार्बन का कितना होता है? 12। और क्लोरीन का होता है 35.5। 4 क्लोरीन है CCl4 में, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 154 का। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन निकाल लेंगे। सबसे पहले बेंजीन का हमारे पास मास कितना था? 30 ग्राम। और तो गिवन, ये मास अपॉन मोलर मास का मतलब बेसिकली ये होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास इसका कितना है? 78। इसको इससे डिवाइड करेगा तो तेरे को ये 0.385 आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालेंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड का गिवन मास कितना है हमारे पास? 70। मोलर मास कितना है? 154। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। अब तुझे क्या निकालना था? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन की मोल फ्रैक्शन निकालनी। मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होती है? मैंने बताया था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट क्या है? बेंजीन। बेंजीन के मोल्स कितने? 0.385 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के मोल्स कितने होंगे? सॉल्यूशन किससे मिलकर के बना है? बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस एन ऑफ बेंजीन प्लस एन ऑफ CCl4। एन क्या है? मोल्स। तो 0.385 प्लस 0.445 किसके इक्वल आ जाएगा? इसको डिवाइड करेंगे, 0.385 डिवाइड बाई 0.84 डिवाइडेड इज इक्वल्स टू 0.484। इसको सॉल्व करेगा तेरे पास आंसर आ जाएगा। अब तेर से सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर मोल्स ऑफ बेंजीन पूछे हो तो बेंजीन के ही निकाल के आएगा, मोल फ्रैक्शन बेंजीन की पूछी हुई है, ठीक है। इसके अलावा मोल्स ऑफ, अगर मोल फ्रैक्शन बेसिकली इधर से CCl4 की पूछ ली जाए तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए 1 में से माइनस करते हैं, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ अदर कंपोनेंट, ठीक है, जो दूसरे की है 1 से 1 में से माइनस करते हैं। अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो हम 100 में से, जैसे पिछला क्वेश्चन था इसमें हम किसकी बात कर रहे थे? मास परसेंटेज की, मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज के लिए हम दूसरे के निकालने के लिए 100 में से माइनस करते हैं।
लेकिन अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन में निकालने के लिए वन माइनस जो भी मोल फ्रैक्शन ऑफ अदर कंपोनेंट, ठीक है, वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ अदर कंपोनेंट। ये था तेरा सेकंड क्वेश्चन, जिसमें बेसिकली तुम सबसे पहले तो दोनों का मास निकाल लेना, 30% से तेरा क्या मतलब है ये देख लेना है कि बेंजीन 30% का मतलब है 30 ग्राम बेंजीन है, टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा, तो 100 में से अगर हम 30 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 70 आएगा, वो किसका बचेगा, दूसरे कंपोनेंट का, दूसरा कंपोनेंट क्या, CCl4। अब इन दोनों के मोलर मास निकाल लेगा, फिर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास के, और उसके बाद मोल फ्रैक्शन निकाल लेगा, मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स दोनों का मोल्स को ऐड करके निकाले जाएंगे, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देख नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। मोलैरिटी किसके इक्वल होती है, गिवन मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, एक सेकंड, मोलैरिटी किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, अगर वॉल्यूम लीटर में है तो ठीक है, अगर वॉल्यूम लीटर में नहीं है तो हम क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू एन बाय वी, अगर एम एल में दे रखी है पर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये तेरा फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का। अब यहाँ पे तुझे दो केसेस दे रखे हैं, अब गिवन, अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, वही फॉर्मूला है, तो मोलर मास तुझे निकालना पड़ेगा। अब मोलर मास ये क्या है, तेरा पहला क्वेश्चन दिया 30 ग्राम, मतलब गिवन मास तो तेरे को डायरेक्ट ही दे दिया ऑफ CO NO3.6H2। इस इन तरीके ये क्वेश्चन मोलैरिटी के अगर आएंगे तो नॉर्मली H2SO4 की मोलैरिटी निकालो या निकालो, ये क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आता, सब ये बड़े इसमें मोलर मास निकालने में थोड़ा सा दिमाग लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बोल सकते हैं। तो इस तरीके के जो हमारे क्वेश्चन होते हैं जनरली वही आते हैं अगर छोटे क्वेश्चन में लगते हैं। तो आप देख कोबाल्ट का मोलर मास को क्वेश्चन के अंदर ही दे दिया, कोई ज़्यादा जो टफ वाला मोलर मास होगा ना वो दिया होगा, जैसे कोबाल्ट का दे दिया, जो ये CO है पूरा इसका दे दिया 58.7। अब NO3 है, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन का 16 होगा, तो 3 का क्या होगा 48, 3 का 48 हो जाएगा, और यहाँ पे NO3 ट्वाइस है, NO3 का 2 लिखा हुआ है नीचे, तो इस सबको 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, और देन H2O का कितना होगा मोलर मास 18, H2O का 18 कैसे निकाला है, एक ऑक्सीजन का कितना होगा 16 और दो हाइड्रोजन का 2, 16 और 2 18, ठीक है, इस तरीके से ये निकलता है 58.7, और ये कितना आएगा तेरा 48 प्लस 14 को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 124, और 1 और 6 का क्या होता है 128, इन तीनों को ऐड करेगा तेरा मोलर मास आ जाएगा। अब तुझे मोलैरिटी निकालनी है, उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास 30 ग्राम है, मोलर मास हमने अभी 310.7 निकाला है, 30 डिवाइडेड बाय 310.7 तेरा आंसर आ जाएगा 0.096, ठीक है। अब तेरे को यहाँ पे क्या क्वेश्चन देगा, 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट CO NO3.6H2N 4.3 लीटर वॉल्यूम भी दे रखी है, तो वॉल्यूम भी दे रखी है, तो नंबर ऑफ मोल्स तो निकाल ली। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, यही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिए थे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 4.3 लीटर दे रखा है, तो एज इट इज़ यूज़ कर लेंगे, जब 0.096 को जब तू 4.3 से डिवाइड करेगा तो क्या आएगा 0.02। अब ये मल्टीप्लाई डिवाइड तो तुझे खुद ही करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखिए, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता, ठीक है। अब देख नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1000 ml, नेक्स्ट क्या है 1000 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4, ठीक है, सेकंड में क्या देगा 30 ml 0.5 मोलर एंड 5000 ml, सेम तरीके से डिट्टो, सेम तरीके से ये होना है, सेम तरीके से अपने सॉल्व कर उसके और अपने सॉल्व करके देख,
देखियो और ट्राई और बताइयो मुझे कि तेरा आंसर सही आया है या नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो खुद ट्राई करके देखिएगा। डिट्टो का डिट्टो सेम है, बस H2SO4 का मास निकाल, H2SO4 का जब मोलिकुलर मास निकालेगा, अगर ये यहाँ पर 30 ml की जगह 30 ग्राम, तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन जाता है, बिल्कुल सेम बन जाता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, 30 ml दे रखा है, तो ml के केस में थोड़ा सा चेंज आता है, ऑफ 0.5 मोलर। H2SO4 इज डाइल्यूटेड टू 500 ml। अब इसके अंदर ये थोड़ा सा चेंज है। अगर देख, मैं एक तो तुझे क्या करना है, एक तो तुझे इसमें ना सेम डिट्टो लेके बस यहाँ पे 30 ग्राम लेके सॉल्व करके देखना है, और जो वॉल्यूम लेनी है वो क्या लेनी है, 500 ml। ठीक है, इसको लेकर के सॉल्व करके देखियो तेरा क्या आंसर आता है। और अब जो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है वो मैं बताती हूँ। ठीक है, 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 इज डाइल्यूटेड टू 500 ml। 30 ml 0.5 मोलर का डाइल्यूट किया गया है 500 ml। ठीक है, अब तेरे को क्या करना है, यहाँ पर देख 1000 ml 0.5 मोलर, अब तेरे को दे रखी है मोलारिटी 0.5 मोलर, तो 0.5 मोलर का जो 1000 ml का सॉल्यूशन होता है उसके अंदर मोल्स होते हैं 0.5। ये बात तुझे ध्यान रखनी पड़ेगी। देख 0.5 मोलर का सॉल्यूशन दे रखा है, यहाँ पे तेरे को 0.5 मोलर का सॉल्यूशन दे रखा है, तो तेरे नंबर ऑफ मोल्स 0.5 है। अगर तेरे को 0.3 का दे रखा होता है, 0.2 का दे रखा होता है, 0.1, 0.6, 0.7 किसी का भी दे रखा होता है, 0.7 का है तो नंबर ऑफ मोल 0.7, 0.3 का है तो 0.3 नंबर ऑफ मोल, 0.2 का है तो 0.1, 0.5 का है तो 0.5, 0.1 का है तो 0.1, 0.6 का है तो 0.6। जितने भी मोलर का सॉल्यूशन तुझे दे रखा होगा उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे। कहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे, कितने एम एल में प्रेजेंट होंगे, बेसिकली 1000 ml में उतने ही नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 0.5 मोलर का सॉल्यूशन था, तो 0.5 मोलर के सॉल्यूशन में 1000 ml में कितने मोल है, 0.5। अब तेरे को क्या बताना है, 30 ml में कितने होंगे, अगर 0.5 किस में है, 1000 ml में, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 ml कंटेन्स 0.5 मोल्स। वन एम एल कितने कंटेन करेगा, 0.5 डिवाइडेड बाय 1000। और अब हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 30 ml, तो 30 ml कैसे कंटेन करेगा, 0.5 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 30। ठीक है, ये तेरा तरीका है करने, ये बातें को दिख गई, 1000 ml कंटेन करना है 0.5 मोल्स, 1 ml कितने करेगा, 0.5 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, 30 ml क्या करेगा, उसको आगे ले जाते 0.5 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 30। ठीक है, अब आगे देख, वॉल्यूम तेरे को दे ही रखी है 500 ml। ठीक है, अब तेरे को वॉल्यूम दे दी, तेरा ये निकल गया, मोल्स निकल गए, नंबर ऑफ मोल्स तेरे निकल जाएंगे इस तरीके से। अब वॉल्यूम दे रखी है 500 ml, तो बस यही करना है तुझे, नंबर ऑफ मोल्स को 500 से डिवाइड करना है और 1000 से मल्टीप्लाई करना, तेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो तूने मोलारिटी है वो कैसे निकालनी है, 0.015 जो तेरे मोल्स आए उसको डिवाइड कर 500 से इंटू में 1000, 2 0 से 2 0 कट गई, 5 2 10, 0.015 को जब तू इससे मल्टीप्लाई करेगा 2 से, तो 0.03 आ जाएगा, 0.0030 मोलर आ जाएगा, ये तेरा आंसर देगा। देख इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फ़र्क देखने वाली बात है कि तेरे को कैसे पता चलेगा कि तू भाई कौन क्वेश्चन कर रहा है, तो क्या चेंज है और क्या नहीं। इसके अंदर लिख रखा है 30 ग्राम, इसके अंदर लिख रखा है 30 ml, और इसमें डायरेक्ट पूछा होगा, इसमें डाइल्यूटेड लिखा हुआ है, तो डाइल्यूटेड जब भी लिखा होगा तो कंसनट्रेशन दे रखी होगी तेरे को, और जो भी कंसनट्रेशन तेरे को दे रखी होगी उतने ही नंबर ऑफ मोल 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होंगे। जो भी तेरे को दे रखी है, यहाँ पे 0.5 है, चाहे कुछ भी 0.1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 6 हो, 7 हो, तो कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता, सेम तरीका होगा, बस 0.5 की जगह तूने क्या लिखना होगा, जो मोलारिटी तेरे को दे रखी है।
जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतने ही मोलैरिटी उठती है, जितने नंबर जितनी मोलैरिटी उठती है उतने ही नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। कितने ml सॉल्यूशन के अंदर? 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, ये था तेरा थर्ड क्वेश्चन। अब देख, अब तेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। अब देखो यूरिया का मास निकालना है, कैसे निकाल किस चीज़ के लिए निकालना, रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड टू मेक 2.5 kg। देखो क्या दे रखा है इसके अंदर, हर चीज़ क्वेश्चन के अंदर ना बस ये देख लिया कर कि क्या तेरे को दे रखा है। देखो ये पता चल गया कि भाई हाँ क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ दे रखी है उसके बाद तो आगे का निकालना आसान होता है। 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब है? मोलल, मोलल भी कंसेंट्रेशन की यूनिट होती है। मोलैलिटी, एक तूने वर्ड पढ़ा होगा मोलैलिटी, मोलैलिटी तूने क्लास में नाम सुना होगा। मोलैलिटी की जो मोलैलिटी की जो यूनिट होती है मोलल। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये 0.25 मोलल दे रखा है इसका मतलब क्या है? 0.25 नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, और नंबर ऑफ मोल्स किसके अंदर होते हैं? मोलल के अंदर जो होते हैं वो क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैलिटी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम, और अगर हम मोलैरिटी निकालते हैं तो 1000 ml लेते हैं, लेकिन मोलैलिटी के केस में हम ग्राम लेकर के चलते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम, तो 0.25 मोलल का मतलब है 0.25 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स कितने के अंदर? 1000 ग्राम के अंदर। ठीक है, तो ये दे रखा है मास। अब ये यूरिया की बात हो रही है, यहाँ पे कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, तो यूरिया के 0.25 मोल्स होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया क्या है? 0.25, और सॉल्वेंट का मास कितना है? 1000 ग्राम। ठीक है, इसके बाद आगे देख, अब तुझे मास ऑफ यूरिया कितना चाहिए 2.5 kg बनाने के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले तो तू क्या करेगा, यही लिख लेगा कि भाई इस 0.25 का मतलब क्या है। इस 0.25 का मतलब लिखने के बाद क्या करेगा, मास ऑफ यूरिया निकालेगा। यूरिया का फॉर्मूला तेरे को दे दिया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन NH2CO, इसको डायरेक्टली निकाल लें। नाइट्रोजन का N है, उसका मास कितना होगा? 40। उसके बाद हाइड्रोजन H2 है तो क्या होगा? 2। कार्बन का कितना होता है? 12। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। नाइट्रोजन का दोबारा से कितना होगा? 14। और H2 का कितना होगा? 2। इन सब को जब तू ऐड करेगा तो क्या आ जाएगा? 60 तेरे पास आ जाएगा। ठीक है, ये बात देखो यहाँ तक समझ आ गई।